Hello everyone, so I am Manisha Awasthi. I am again going to give you a new video in which we are going to study about the graph. This is very important student. आपने 9th और 11th में जो graph का basic पढ़ना है वो आपको पूरा 12th तक काम आता है, क्योंकि drawing a graph is a very important factor in your physics studies. तो आपने लास्ट वीडियो अगर मेरा देखा है तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है. 11th और 9th में जो मैंने बार बार मैं कह रही हूँ बेसिक टर्म्स हैं, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, करेक्ट. और लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी प्रूव किया है. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पोजिशन टाइम ग्राफ. और ये पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग कंडीशन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले जो हम कंडीशन लेने वाले हैं वो रहेगी व्हेन यू आर हैविंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है. और पोजीशन टाइम ग्राफ को आप पीटी ग्राफ भी कहते हैं. तो ध्यान रखना है आपको कि आपका जो एक्स एक्सिस होगा और जो वाई एक्सिस होगा उसमें यहाँ आप डिनोट करेंगे हमेशा एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस में अब क्योंकि मुझे क्या बनाना है, पीटी ग्राफ बनाना है, यानी यहाँ मुझे पोजीशन डिनोट करनी पड़ेगी. तो ये एक पीटी ग्राफ है कि वाई एक्सिस में मेरा पोजीशन बता रहा है और एक्स एक्सिस में मुझे टाइम बता रहा है. इस ग्राफ में बॉडी कैसी है, स्टेशनरी है. स्टेशनरी आई मीन्स इट कैन नॉट मूव ना, इट कैन नॉट मूव मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पोजीशन पर है तो वो वहीं बनी रहेगी चाहे समय बदलता जाए. समय एक मिनट हो जाए, दो मिनट हो जाए, तीन मिनट हो जाए, चार मिनट हो जाए, द बॉडी इज स्टेशनरी, यानी इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और इस ग्राफ के नेचर को बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन, दिस इज पैरेलल टू एक्सिस. आप उसको टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, योर चॉइस. तो आपको एग्जाम में पूछने आएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, या आपको पूछेगा ड्रॉ द ग्राफ एंड राइट द नेचर. तो आप नेचर क्या लिखेंगे, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और यू कैन से इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट. ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. देखिए अब आपका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि आपका इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करना है. तो देखिए अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी, अगर तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस में आप हमेशा टाइम को रखिए और वाई एक्सिस में मुझे पोजीशन रखना पड़ेगी क्योंकि ये पीटी ग्राफ है. और मैंने कहा कि आपकी जो यूनिफॉर्म मोशन है यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है. तो सपोज पहले मेरी बॉडी यहां थी, समय के साथ जो है वो पोजीशन चेंज हुई तो बॉडी ने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, फिर पोजीशन चेंज हुई तो उतना ही उसने फिर कवर किया. यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज अ स्ट्रेट लाइन नाउ, बट दिस इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस. तो इसका जो नेचर होता है वो आप इसके नेचर को कैसे बता सकते हैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता है बट इट इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, बट ये इंक्लाइंड रहती है टाइम एक्सिस में, ठीक है. तो जब इस तरीके का आपका कर्व आता है और मान लिए मुझे ये वाला मेरा टाइम जो है वो T2 है फाइनल टाइम, ये वाला मेरा जो टाइम है वो T1 है ना. तो अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरी ये मान लीजिए पोजीशन T1 पर X1 है और ये पोजीशन T2 पर X2 है. तो मैं इस कर्व में अगर ये छोटा सा एक ट्रायंगल प्लॉट करती हूँ जिसमें मान लीजिए मैं नाम दे देती हूँ ABC, तो जो मेरा BC होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और जो मेरा AB होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल. आप देख सकते हैं कि मैं BC को किस एक्सिस में मेजर करूंगी, Y एक्सिस में मेजर करूंगी, और X एक्सिस में मैं टाइम को मेजर करूंगी.
ठीक है। तो BC क्या हुआ X2 माइनस X1, AB क्या हुआ T2 माइनस T1। और अगर मैं कहूं कि हाइट अपॉन बेस है ना, ये एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, तो अगर मैं कहूँ हाइट अपॉन बेस, तो हाइट अपॉन बेस को हम क्या कहते हैं, वी आर सेइंग इज थीटा, इफ इट इज एंगल इज थीटा देन टेन थीटा इज बीसी बाय एबी, जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, टेन थीटा इज X2 माइनस X1 बाय T2 माइनस T1, और इसे ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, अब आपने कहा कि स्लोप ऑफ कर्व या टैन थीटा कितना निकल रहा है, X2 माइनस X1 बाय T2 माइनस T1। तो तुम जानते हो कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम को वी आर सेइंग इट एज वेलोसिटी। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट स्लोप ऑफ अ कर्व, विच कर्व, PT curve gives us velocity। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व, तो आपको इसी मेथड से बस ये फाइंड आउट कर देना है जो मैंने किया अभी। और अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर, तो आप बताएंगे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। और वही अगर बोलेगा कि व्हाट डज द कर्व गिव्स, तो कर्व गिव्स अस द वेलोसिटी। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट ग्राफ है, जो थर्ड ग्राफ है, वो आपका बता रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है। देखिए हमारा पहले तो ये देख लीजिए कि आपका वो किसके बारे में आपको निकालना है। तो आपको जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक्सेलरेटेड भी है, कीप इन माइंड, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हाउ एंड व्हाट पीटी कर्व यू हैव टू प्लॉट। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम स्ट्रेट लाइन देखें, तो हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को क्या कह सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे जो एक्स जीरो है, ये हमको पोजीशन बता रही है एट टाइम जीरो, और एक्स बता रही है पोजीशन एट टाइम टी। या हम इसे कह सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जानते हैं हम, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। इसका मतलब जो आपका एक्स है, अगर मैं कहूं कि एक्स माइनस एक्स नॉट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कह सकती हूं ना मैं ये, एस की जगह पुटअप कर सकती हूं। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि जो चेंज है डिस्टेंस का, वो इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, स्क्वायर ऑफ टाइम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस बात को ध्यान रखिए आप कि जब आपका वेरिएबल टाइम के स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इक्वेशन बताता है पैराबोला की। ये पैरा आपको अभी याद रखना है, मैथ्स में आप पढ़ते हैं जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है जो कि वेरिएबल के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो कर्व बनेगा वो पैराबोला ही बनेगा। तो देखिए मैं अब कर्व प्लॉट कर रही हूं, इसके लिए मुझे एज यूजुअल टाइम लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग और पोजीशन लेनी है। अब अगर मैंने पोजीशन आपको मेंशन कर दी थी, मान लीजिए कि एक्स नॉट है, तो ये आई कैन टेक इट एज एक्स नॉट, और ये जो पैराबोला होता है वो ऐसा जाएगा। सपोज यहां से मैं बनाना चाहूं तो इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है ना, बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पैराबोला, एक कर्व को आप पैराबोला कहते हैं जो सी के फॉर्म में जाता है ना। तो मान लीजिए यहां कहीं एक पर्टिकुलर है जहां पे वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो लेट इट बी आई एम मार्क इट एज एक्स, और इसी समय जो मैं है वो टाइम मार्क कर सकती हूं, है ना। तो अगर मैं यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इस कर्व में, तो ये जो टेंजेंट है वो एक अप्रोक्स वैल्यू देगा डीएक्स बाय डीटी। ये वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव फॉर्म देगा। डेरिवेटिव फॉर्म का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट बाय स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, विच इज डीएक्स बाय डीटी। और आप जानते हैं कि डीएक्स बाय डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ पी टी कर्व गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इस समय हम एक अप्रोक्सीमेट स्मॉल टाइम इंटरवल पर निकाल रहे हैं, जिसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। और आप इंस्टेंटेनियस का मतलब जानते हैं
इट इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।